हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड रिएक्शन। मैं हूँ ईशा और मेरे साथ हैं अलीजा ताहिर। वेलकम बैक अलीजा। अलीजा काफ़ी दिनों बाद हमारे साथ आई हैं दोबारा से नज़र, मेरे साथ खास तौर पे काफ़ी दिन बाद आई हैं। मैं कल आ गई थी। हाँ, मैं नहीं थी। तो हम गाना देखने वाले हैं एक, जो कि है श्रेया घोषाल का। श्रेया घोषाल का किसको नहीं पता होगा, लेकिन हम श्रेया घोषाल की बात करेंगे गाना सुनने के बाद, गाना सुन के। और साथ है जैकलीन, तो देखते हैं गाना। रियल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको भी लाइक करें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा, हमारी ओपिनियन देखिएगा इनके बारे में, हमारी क्या ओपिनियन है, हमें कैसे लगते हैं ये लोग, सब देखिएगा। उसके बाद वीडियो का टाइटल है यिमी यिमी, श्रेया घोषाल, जैकलीन फर्नांडीस। स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं अलीजा से पूछूंगी, अलीजा उसके मूव्स कैसे लगे, मतलब वो जैसे डांस कर रही थी। हाँ, मतलब गाना ऐसा था कि ऐसे गाने मुझे नहीं ज्यादा अट्रैक्ट करते। हाँ, मुझे थोड़े स्लो स्लो गाने अच्छे लगते हैं, लेकिन गाना जो भी था वही उसके मूव्स, वो कितना अच्छा डांस कर रही थी। कोरियोग्राफी बहुत अच्छी थी। हाँ यार, मतलब जैकलीन ये अप टू 40 है, लेकिन वो मोस्ट यंग लग रही थी, बहुत यंग लग रही थी, वो लग ही नहीं रहा था। कहती है बॉलीवुड की एक्ट्रेस
सब श्रद्धा कपूर जिसको भी देख लो, जितने लड़के देख लो कहते हैं इसकी जो बॉडी है वो बहुत ही फिट है, बहुत ज्यादा फिट है। हां वैसे श्रद्धा कपूर की भी बात करें तो अब ना श्रद्धा कपूर थोड़ी लगने लग गई है डर डर, मुझे ऐसा लगता है। नहीं मुझे लगता है, लेकिन जैकलिन नहीं, उसकी बॉडी टाइप अलग है, उसकी अलग है, डल तो नहीं है वो, लेकिन अच्छी तो जैकलिन की। बाकी श्रेया घोषाल का गाना था, श्रेया घोषाल को हम सब जानते हैं, जानती हो ना? तो वहां से लोग बड़ा जानते हैं। बाकी श्रेया घोषाल के गाने हम सब सुनते हैं, खासतौर पर यार मतलब जो यंग जनरेशन है उनको अरिजीत और श्रेया घोषाल ऐसे सिंगर्स बहुत पसंद है, उनके गाने बहुत पसंद है। श्रेया घोषाल जो मतलब गाने सीट हुई थी वो भी मेरा मोस्ट फेवरेट गाना है बैरी पिया, वो बहुत अच्छा गाना है, देवदास मूवी में शायद वो गाना था, वो बहुत अच्छा गाना है। वो उससे पहले भी हिट थी लेकिन उसके बाद ज्यादा हिट हो गई हैं। आपको क्या लगता है? श्रेया घोषाल तो शुरू दिन से ही बहुत मजे की मतलब सिंगर थी, और उनका ना वो एक गाना था मतलब 90s के सॉन्ग तो वैसे भी बहुत मजे के होते हैं। हाँ। एक मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा लेकिन वो ना बहुत मजे का, बहुत इन्होंने जितने भी गाने गाए सारे बहुत हिट हैं। आज की 2 में भी श्रेया घोषाल ने गाने गाए हैं और आज की 2 के गाने ऐसे हैं कि वो अभी तक सुने जा रहे हैं, लाइक सारे के सारे गाने बहुत मजे के हैं उसके। तो उसका तो हर गाना बहुत मजे का, मतलब एक सुनो दिल करता दूसरा भी सुनो। उसके होता है ना किसी मूवी का एक गाना हिट, गाना नहीं आ रहा उतने, क्यों नहीं आ रहा याद करो मतलब किस मूवी का, चलो मैं गेस करती हूं किस मूवी का गाना है। जितने पता है वो मजे के है कि नहीं है। हाँ मतलब और मतलब यार इन्होंने एक दफा, मैं पहले सोचती होती थी किस तरह से इसकी बहुत बड़ी आवाज है ना, तो इन्होंने एक दफा इंटरव्यू में शायद बताया या इंडियन आइडल में बताया था कि कितना डाइट का ख्याल रखते हैं इनको, ये नहीं खाते, ये मीट नहीं खाती, शायद घी नहीं खाती, पता नहीं इसमें क्या क्या बताया। सिंगर्स की इस तरह की डाइट होती है। हाँ सारों की इस तरह की होती है। और मतलब फिर मुझे पता चला हाँ ऐसे आवाज निकलती है, और हम लोग तो इतना कुछ खाते हैं, हम लोग तो कुछ भी मतलब देखते ही नहीं अपनी डाइट। और ना इनकी ना प्रॉपर प्रैक्टिस भी करते रहते हैं, राग वगैरह होता है ना इनके, जो सरगम पता नहीं क्या कहते हैं उनको, उनकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। हाँ इसीलिए ना। हाँ लेकिन मतलब ऐसे ऐसा गाना चिकनी चमेली, चिकनी अगर ऐसे गाने की बात करें चिकनी चमेली श्रेया घोषाल ने गाया था, और वो इतना मजे का गाना है ना, वो बड़ा मजा आता है, उसको वाइब्स आ जाते हैं उस गाने को सुन के। बाकी मुझे जो मतलब सबसे ज्यादा पसंद आया ना, हंसी बहुत मजे का गाना है, हंसी। हाँ हंसी भी सॉन्ग है, और जैकलिन के मूव्स यार वो किस तरह से डांस कर रही थी, ओ माय गॉड। जैकलिन ना मतलब जुड़वा 2 से मेरी फेवरेट है, जब से जुड़वा 2 में आई ना बहुत प्यारी लग रही थी इसमें। हाँ जैकलिन सबके साथ आई हुई है, सलमान खान नहीं साथ। मतलब बात करें कि वहां से पसंद है, पसंद आई है जुड़वा 2 से। हाँ। पसंद है जुड़वा 2 में, और हीरो कौन सा है? वरुण। हाँ वरुण धवन, वरुण धवन। मैंने तुम्हें कहा था ना बॉलीवुड के 90s के अलावा ये हीरो प्यारा है, ठीक है। और ये किक में आई भी है, उसके बाद इमरान हाशमी के साथ आई है, मर्डर 2 में आई भी है, मतलब ये मूवीज मैंने देखी हुई है, किक भी बहुत मजे की मूवी है। तो बाकी आप बताएं आपको गाना कैसा लगा, जैकलिन के मूव्स कैसे लगे उसका, वो यार वो स्टेप बहुत अच्छा है। अच्छा जैकलिन का ना वो उसके साथ जो तुमने मूवी देखी होगी वो जिसमें वो टूटा जो कभी तारा गाना नहीं है। हाँ लेकिन मुझे मूवी का नाम नहीं याद, मुझे भी नहीं याद। हाँ फ्लाइंग जट, फ्लाइंग जट जो मूवी थी उसमें जैकलिन ने ना वो गाना था बीट पे बूटी, उसमें भी बड़ा मजे का डांस किया। हाँ, वो डांस अच्छा करती है। हाँ। ये तो मैं कह रही हूँ डांस हर गाने में बड़ा आला करती है, गाना भूल के डांस देखने लगा। अब गाना नहीं भी अच्छा कोई बात नहीं, जैकलिन का गाना भी सुनते हैं डांस तो अच्छा होगा। तो मतलब बेस्ट है जैकलिन मेरी नजर में, डांस के लिहाज से बहुत अच्छा डांस करती है। आप बताएं आपको कैसा लगा ये सॉन्ग, ये भी कह सकते हैं कि जैकलिन के पीछे कोरियोग्राफर्स बहुत अच्छे हैं। हाँ ये भी हाँ इनका बहुत बड़ा, लेकिन अलीजा मतलब वो तो सिखा रहे हैं ना, अटेम्प्ट तो वो कर रही है ना, लेकिन हाँ, अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना हर इंसान पे डिपेंड करता है किस तरीके से। उन्होंने तो बता दिया तुम्हें ये करना, उसने किस तरह किया वो मैटर करता है भाई, उसने पूरे गाने में जान डाल दी थी, वो ऐसा डांस करती है वो।
बाकी आप अच्छा मैं कल एक वीडियो देख रही थी दो बार उसमें ना उसको दिखनी होती है वो काजल होती है रानी मुखर्जी होती है शाहरुख खान होते हैं वो फिल्म थी कुछ कुछ होता है उसमें वो डांस कर रहे होते हैं मतलब वो ना बता रहे थे करण जौहर बता रहा था कि मतलब ये डांस सब कर रहे हैं और ना मैं देख रहा हूँ कि इनके स्टेप में खराबी आ रही है और पीछे से मतलब ना काजल के स्टेप में खराबी आ रही है उसने रोमपल सा जंप सूट पहना होता है तो पीछे से फराह खान कहती है सबसे ज्यादा बेहतर यही कर रही है बाकी सब खराब कर रहे हैं हाँ वो कुछ कुछ होता मूवी तो हाँ. बहुत हिट मूवी और वो मुझे पता चल गया कौन सा गाना कह रही है उसी बात से निकला कि अटेम्प्ट हर किसी ने अपने तरीके से करा अटेम्प्ट हर किसी हाँ. हर कोई अपने तरीके से करता है और जैकलिन बहुत बेटर उसने भाई बेटर लव्स तो बहुत छोटा उसने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया अच्छा एक और बात कपिल शर्मा के शो में ना वो अजय देवगन बैठा हुआ था और वहां पर ना वो दूसरे स्टार्स थे और वो ना कहते हैं कि अजय देवगन ना अपनी मर्जी से डांस करता है अपनी मर्जी से स्टेप करता है उसको कोरियोग्राफर ने कहा कि ऐसे करके हाथ भी हिलाना है पांव भी हिलाना है कहता नहीं मैं हाथ नहीं हिलाऊंगा ऐसे पैर हिलाऊंगा ऐसे मतलब और फिर उसने कहा ऐसे शोल्डर मूव करना नहीं मैं बस हाथों से ऐसे ऐसे करता रहूंगा हां तो मतलब उसकी मर्जी है अपनी मर्जी से डांस करूंगा उसकी मर्जी है हां अपनी मर्जी मतलब स्टार्स बड़े हो जाए वो अपनी मर्जी से डांस करते हैं उनको नहीं करवा सकते डांस हां ये कह सकते हैं हां बाकी आप बताएं आपको गाना कैसा लगा जैकलिन का डांस कैसा लगा और हमारी ओपिनियन कैसी लगी वो भी ज़रूर बताएं वीडियो का एंड तक ज़रूर देखा करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमें देखते अच्छा, रहें अच्छा रियल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है उसको भी आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर